गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस हाउ आर यू टुडे अस्टैंडर्ड एल के जी ये जो मैं वीडियो बनाई हूँ एल के जी के स्टूडेंट्स के लिए है ओके okay. आज जो हम लोगों की टॉपिक है वो क्या है वाट कम्स आफ्टर आज हम लोग आफ्टर के बारे में जानेंगे आफ्टर का मतलब होता है के बाद वाला आफ्टर का मतलब क्या होता है के बाद वाला जैसे कोई भी नंबर दिया हो ठीक है या लेटर्स हो जैसे कि एक बार मैं आपको नंबर के अकॉर्डिंग बताती हूँ जैसे आप लोगों ने काउंटिंग पढ़ा होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके ये सब क्या है ये जो है काउंटिंग है इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो वन के नीचे वन के नीचे क्या है टू है टू के नीचे क्या है थ्री है थ्री के नीचे क्या है फोर है उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए है ए के आगे क्या है ए के बाद में मतलब क्या है ए के बाद में क्या है बी है बी के बाद सी सी के बाद डी ठीक है उसी के अकॉर्डिंग ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसको सॉल्व करना है तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे ए बी सी डी यहाँ कैपिटल लेटर में सारा लिखा हुआ है उसको देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है सी 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 के आफ्टर में क्या आएगा सो so, सी के आफ्टर में क्या आएगा तो सी के आफ्टर में क्या आएगा उसको देखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना ए बी सी तो सी के आफ्टर में क्या है डी है तो यहाँ क्या लिखेंगे डी लिखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ई e है तो ई e के आफ्टर में क्या जाएगा ई e के आफ्टर में क्या जाएगा देखिए यहाँ ई e के आफ्टर में क्या है एफ है ई e के आफ्टर में क्या लिखेंगे एफ लिखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आई के नेक्स्ट है जी आई के ठीक है तो अब देखेंगे जी के आफ्टर में क्या है यहाँ देखिए जी के आफ्टर में क्या है एच है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भी जी के आफ्टर में क्या जाएगा एच जाएगा उसी तरह से आई के आफ्टर में क्या जाएगा आइए देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई के आफ्टर जे तो आई के आफ्टर में क्या हो जाएगा जे हो जाएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है के तो के के आफ्टर में क्या जाएगा देखिए यहाँ के के आफ्टर में क्या जाएगा एल जाएगा के के आफ्टर में क्या जाएगा एल जाएगा ओके okay. ये जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ ये सारा आपका डब्ल्यू कंप्लीट हो चुका है अब नेक्स्ट जो है वो आपको क्या करना है एच डब्ल्यू करना है एच डब्ल्यू का मतलब क्या होता है गृह कार्य ठीक है जो आप कहाँ बनाएंगे घर पे बनाएंगे जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगी उसको आप घर पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ओके तो ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपको घर से सॉल्व करना है ओके तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम लिखा हुआ है तो एम के आफ्टर में क्या आएगा यहाँ देखिए सारा लिखा हुआ है देखिए यहाँ एम के आफ्टर में क्या लिखा हुआ है एन तो एन के आफ्टर, आफ्टर एम के, के आफ्टर में क्या जाएगा एन जाएगा नेक्स्ट ओ ओ के आफ्टर में क्या जाएगा पी जाएगा क्यू के आफ्टर में क्या जाएगा आर जाएगा उसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं सारा सॉल्व होंगे एस लिखा हुआ है तो एस के आफ्टर में टी जाएगा यू के आफ्टर में क्या जाएगा भी जाएगा w के आफ्टर में, में क्या जाएगा एक्स जाएगा ठीक है जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करने हैं एनी हाउ कल सॉल्व हो जाना चाहिए ओके okay, ये नहीं कि मैम चेक नहीं करेंगी ऐसा नहीं है आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लीजिए बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आज के लिए इतना ही बाय सी यू टेक केयर